आलोक जी जवाब दीजिए, लेकिन जवाब ये बनता है आलोक जी कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अगर इसी तरह से शिकायतें दर्ज होने लग गई एक दूसरे के खिलाफ, तो आधे से ज्यादा नेता तो जेल में हो जाएंगे बंद, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पे आरोप लगाता है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, कि फलानी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, फलानी पार्टी चोर है, फलानी, इस तरह के बयान तो दोनों तरफ से आते हैं ना। सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुना होगा, उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए कि क्या क्या बयान बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है, लेकिन उन चीजों पर कोई कार्रवाई इस तरीके का नहीं होती है। लेकिन बिलो द बेल्ट तो वार नहीं करना चाहिए। इन्होंने अडानी को बोला कि वो मोदी जी का बाप है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई है इस तरीके का भाषा बोलना। ठीक है, किसी को गूंगा बहरा ये सब कहने से चलता है राजनीति में, नहीं तो कांग्रेस कह रही है तो स्लिप ऑफ टंग है, बाद में उन्होंने माफी मांग ली इस बात के लिए। जब एफआईआर दर्ज हो गया है तो लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, कानून को अपना काम करने दीजिए, उस पर ये नाटक क्यों कर रहे हैं बैठ के, ये एयरपोर्ट के बाहर ये इतने लोग बैठ के नारे क्यों लगा रहे हैं। तब तो किसी आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उसके संगी साथी नाटक करने लगे तो उसको छोड़ दिया जाए, ये नहीं चलेगा। देश कानून से चलता है, कानून सबके लिए बराबर है। और अगर अगर इन्होंने गलती की है तो इनको सजा मिलेगी, गलती नहीं की है तो सजा नहीं मिलेगी। नहीं, मैं तो यही तो कह रहा ना, इस तरह की गलती तो बीजेपी के तमाम नेता, हिम्मत विश्वा जिनकी ये पुलिस एक्शन ले रही है, उनके बयान तो बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं सर। कट्टर बयान और पर्सनल बयान में बहुत डिफरेंस है। आपकी लिबर्टी वहां खत्म होती है जहां मेरी लिबर्टी चालू होती है। इसका ये मतलब थोड़ी है मैं अपना पैर निकाल के आपके नाक पर रख दूं और कहूं मैं आजाद देश में हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपकी लिबर्टी वहीं समाप्त है जहां मेरी लिबर्टी शुरू हो गई। आप किसी को बोल रहे हैं कि उसका बाप है, पूरा देश जानता है अभी क्या चल रहा है अडवाणी मामले में, पूरा विश्व जान रहा है क्या चल रहा है अभी अडवाणी मामले में। लेकिन आलोक जी, आप ये देखिए, आज ये जो तमाशा हुआ, कांग्रेस ने जिस तरह से मैसेज देने की कोशिश की है कि भी हम तो अधिवेशन जा रहे थे, हमारे एक नेता को प्लेन से उतार दिया गया बिना कुछ बताए, तो ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठाने की, आप तो पब्लिसिटी दे रहे ना जानबूझकर उनको, आप उनको रायपुर में गिरफ्तार कर सकते थे, एयरपोर्ट पे जब हजारों यात्रियों को बहुत जल्दी होती है वहां पे हंगामा करने की क्या जरूरत थी इतनी, ये भी तो एक सवाल है। असम पुलिस जैसे दिल्ली आई वो रायपुर भी जा सकती थी, असम पुलिस दो दिन पहले का ये बयान है, ये कार्रवाई कल भी हो सकती थी, पिछले कल। देखिए मेरी बात सुनिए रवि जी, आप इसको बेबजट तूल क्यों दे रहे हैं। मैं एक सवाल उठा रहा हूं क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं और कुछ सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि किसी भी बड़े नेता की गिरफ्तारी इस तरह से एयरपोर्ट से उतार कर एक बयान को लेकर जो राजनीति में हर दिन चलते हैं उसको लेकर इस तरह से करना, क्या ये जायज है? बयान पर एफआईआर दर्ज है कि नहीं वो तो आप पता लगा, वो तो मालूम तक नहीं था, गिरफ्तारी के बाद पता चला कि ये एफआईआर हुई है। जब ओपनिंग में मैंने आपको बोला ना, जब आपने पूछा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, कुछ नहीं बताया जा रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा ना इनके अमर्यादित बयान पर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और वही बात खुल के सामने आई। तो मेरा यह कहना है कि कोई भी आदमी कानून के ऊपर नहीं है। नहीं, अगर पिछली रात ये एफआईआर दर्ज हुई है जो अभी तक खबर सामने आ रही है, तो पूरी रात थी, कल शाम थी, कल को गिरफ्तारी क्यों नहीं? आज जब वो ठीक एयरपोर्ट प्लेन के अंदर चले जाते हैं, फ्लाइट के अंदर चले जाते हैं, तभी ये कार्रवाई, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था, एक मैसेज देने की कोशिश थी? इस पर भी तो सवाल उठेंगे ना लोग जी। इस बात का जवाब तो रवि जी, जहां एफआईआर हुआ है, जहां के पुलिस कर्मी इन्वॉल्व हैं, जहां के पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व हैं, वो दे सकते हैं कि त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की, डिले करके क्यों किया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
News 24।